गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम ड्राइंग क्लास सेवन्थ की आप लोग की क्लास है, तो ड्राइंग क्लास में आपका स्वागत करते हैं। ठीक है, आज पेज नंबर 22 में देखो दिया हुआ है, क्या बनाने के लिए, एक फ्रूट बनाना है। किसको, किस में बनाना है आपको, आर्ट फाइल में बनाना है, शेडिंग वाला फूड बनाना है। ठीक है, इसमें हम कलर का यूज़ नहीं करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, सैड का। ओके, तो इसमें सैड करके दिखाया गया है, आप लोग को अपने आर्ट फाइल में या जो भी आपकी ड्राइंग बुक है उसमें आपको ये करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्रूट बनाना है, तो देखो फ्रूट कौन कौन सा दिया है। तो फ्रूट का शेप बनाने के लिए, फ्रूट कैसे होते हैं, गोल होते हैं, लंबे होते हैं, है ना, तो यहाँ पे गोल शेप में बताया गया है। तो सबसे पहले आप अपनी पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर सब हाथ में रख लेंगे। ओके, देखिए मैं बना रही हूँ, आपको भी सेम वैसे ही अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं। ये हमारा सर्कल हो गया। ओके, फिर हमें फ्रूट एक ही नहीं बनाना है, दो तीन फ्रूट बनाना है, इसलिए और भी फ्रूट बना लेंगे। और भी इसको देखिए, मैं जैसे कर रही हूँ इस आपको भी वैसा ही सेम प्रैक्टिस करना है। शेडिंग वाला है इसलिए इसमें बस आपको करना है ये। ठीक, सेट किससे करेंगे आप, पेंसिल से। पेंसिल अलग अलग साइज़ की आती है, 0.0 की आती है, तो वो उससे आपको करना है। ये मैंने आउटलाइन बना लिया। ठीक है, ये हमारे फ्रूट का आउटलाइन हो गया है। अब हम इसको सेट करते हैं। ओके, उसके लिए हम कौन सा लेंगे, पेंसिल ले लेते हैं और सेट करते हैं। हल्का हल्का हाथों से सेट करना है। और आप इसको करने के लिए जब पेंसिल से कलर कर लेंगे, तो अगर आपको डार्क हो जा रहा है तो लाइट करने के लिए आप हल्का हाथों से रबड़ से मिटा भी सकते हैं। ओके, इसको करना बहुत ही आसान होता है, शेडिंग आप लोग आसानी से कर सकते हैं, इतने सफाई से हो जाता है ना, सेट करना बहुत ही आसान होता है पेंट की अपेक्षा। देखिए आप लोग का सेट हो गया सेम, बहुत ही सिंपल था, इजी वे था, क्योंकि हमने बहुत ही सिंपल सा चीज़ ड्रॉ किया है, वो क्या क्या है, फूड ड्रॉ किया है, इसलिए बहुत ही आसानी से हमारा ड्रा हो गया। आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है शेडिंग के लिए। आप कुछ और भी फल और सामान भी ले सकते हैं जिसमें आप का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, इसमें सैड हमेशा पेंसिल से ही किया जाता है, अगर जहां हमको ज़रूरत नहीं है वहां पर हम इरेजर से उसको हल्के हाथों से मिटा लेते भी हैं। ओके, थैंक यू।